हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अदित्य क्लासेस। आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सेंटेंस के बारे में जानेंगे। सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज ए सेंटेंस? ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस शब्दों का वैसा समूह होता है जिससे हमें साफ साफ सेंटेंस के बारे में क्या हो सके, पता हो सके। सबसे जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा एक सेंटेंस है इज बॉय ए राम। ये क्या है, चार शब्दों से बना हुआ, 1 2 3 4, है ना। लेकिन इससे क्या है, कुछ भी सेंस बाहर निकल करके नहीं आ रहा। लेकिन इसी को अगर हम इसके सीक्वेंस में या सिंटेक्स में रखते हैं, सिंटेक्स के हिसाब से, तो ये क्या है, राम इज अ बॉय। इसमें हमें साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है, राम एक लड़का है। उसी तरीके से हमारा दूसरा सेंटेंस है मार्केट गोइंग इज टू सीता। ये भी हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर इसको सीक्वेंस में रखते हैं सीता इज गोइंग टू मार्केट, तब हमको ये समझ में आ रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है कि सीता कहाँ जा रही है, बाजार जा रही है। थर्ड सेंटेंस है हमारा फील्ड आर प्लेइंग इन द। इससे भी क्या है, हमारे साफ साफ पता नहीं चल रहा है कि ये क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन अगर इसको हम सिक्वेंस में रखते हैं तब क्या है, दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। इससे हमें साफ साफ ये पता चल रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है कि वे लोग कहाँ खेल रहे हैं, फील्ड में खेल रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जानेंगे, सेंटेंस को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। ए सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया, सबसे पहला हमारा जो आता है सब्जेक्ट और दूसरा हमारा आता है प्रीडिकेट। अब हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। ए सब्जेक्ट इज द पर्सन और द थिंग दैट इज डूइंग एन एक्शन। सब्जेक्ट क्या होता है, वैसा पर्सन यानी वैसा इंसान या वैसा थिंग्स जो क्या हो, कोई काम कर रहा हो, या दैट इज फोकस ऑफ द सेंटेंस, या तो उसके ऊपर सेंटेंस का पूरा पूरा क्या हो, भार हो। जैसा कि हम लोग एग्जांपल में देख सकते हैं, मैरी लाइक्स टू रन इन द पब्लिक पार्क। इसमें पूरे सेंटेंस में हमारा सबसे ज्यादा भार किसके ऊपर है, मैरी के ऊपर है, क्योंकि मैरी वहां पे क्या कर रही है, काम कर रही है ना। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मैरी को कहाँ पसंद है दौड़ना, पब्लिक पार्क में दौड़ना क्या है, पसंद है। तो इसका भार कहाँ आ रहा है, मैरी के ऊपर आ रहा है, क्योंकि हम मैरी के बारे में ही बात कर रहे हैं, मैरी को ही पसंद है ना। तो पूरा भार किसके ऊपर आ रहा, मैरी के ऊपर आ रहा। सेकंड हमारा है उसी तरीके से प्रीडिकेट होता है ना। तो प्रीडिकेट क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, है ना, क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स वर्ब एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। प्रीडिकेट में हमारा वर्ब और वर्ब के अलावा जो भी पार्ट्स बचता है सेंटेंस में, वो हमारा प्रीडिकेट्स के पार्ट्स में आता है। जैसा कि हमारा सेंटेंस का एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैरी लाइक्स टू रन इन द पब्लिक पार्क। तो ये मैरी हमारा सब्जेक्ट हो गया, है ना, और लाइक्स टू रन इन द पब्लिक पार्क, लाइक्स हमारा वर्ब हो गया, और वर्ब के अलावा अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस ये कहाँ आ रहा है, हमारा प्रीडिकेट में आ रहा है। ये रेड वाला जो है ये हमारा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, और ये सेकेंड सेंटेंस में जो हमारा प्रीडिकेट का सेंटेंस एग्जाम्पल है उसमें हम लोग देख सकते हैं ये रेड वाला ये हमारा क्या है, प्रीडिकेट है। इसी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है और प्रीडिकेट क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने काइंड्स है, 5 काइंड्स है। सबसे पहला हमारा आता है असर्टिव, या इसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, क्या, असर्टिव और डिक्लेरेटिव, है ना। असर्टिव डिक्लेरेटिव को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, जिसका हमारा फर्स्ट होता है अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, और हमारा सेकेंड होता है निगेटिव, जिसको हम बोल सकते हैं नकारात्मक यानी ना का सेंस निकले, है ना। और दूसरा हमारा क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस, है ना, जिसमें हम लोग का क्या आता है, एक कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर। थर्ड हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम लोग किसी से क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ है हमारा एक्सक्लेमेटरी, जहां पे एक्सक्लेमेशन हो यानी अचानक आया हुआ भाव प्रकट हो। फोर्थ हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जहां पे विश, है ना, आए हमारा, जैसे कि हम किसी को दुआ दें, जैसे कि हम किसी को विश करें, है ना। ये हमारा सेंटेंस के 5 काइंड्स है। अब हम लोग इसको एक एक कर करके जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस में किस किस तरीके के सेंटेंस आते हैं। जैसे कि पहले हम लोग जानते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस एक ही सेंटेंस होता है, जिसमें हम लोग, ये वैसा सेंटेंस होता है जिसमें हम लोग आमतौर पे आम जिंदगी में जो ज्यादातर हम लोग सेंटेंस यूज करते हैं, वैसे सेंटेंस असर्टिव और डिक्लेरेटिव भी होते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में देख सकते हैं, ही इज अ गुड लीडर, इसमें हम लोग किसी के बारे में बता रहे हैं क्या, कि वो एक अच्छा लीडर है। सेकेंड हमारा सेंटेंस है क्या, ही इज ए हम्बल मैन, वो एक क्या है, बहुत ही नरम दिल, है ना, इंसान है, ठीक है। ही इज अ पॉपुलर अमंग हिज फ्रेंड्स। तीसरा सेंटेंस हमारा क्या है, कि वो अपने दोस्तों के बीच में बहुत ज्यादा क्या है, पॉपुलर है, प्रसिद्ध है ना। चौथा सेंटेंस है हमारा, हिज फादर वॉज ए लॉयर, हम लोग बता रहे हैं क्या, कि उसके पिता क्या है, एक लॉयर है। और पांचवा सेंटेंस हमारा, आखिरी सेंटेंस क्या है, ही इज अ रियल फाइटर, वो एक क्या है,
एक रियल फाइटर है, जैसे कि हमारे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, है ना, ऐसे जो एग्जांपल है जो इनके बारे में हम कह सकते हैं क्या वो एक महान योद्धा थे, फाइटर थे, जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, है ना, लीव योर लगेज एंड फोन्स हेयर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग जैसा कि पहला एग्जांपल में पढ़ सकते हैं, क्या उसमें दे रहा है, एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना, क्या बोल रहा है कि लीव योर लगेज एंड फोन्स हेयर, है ना, ये एक तरीके से इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है या एक तरीके से किसी चीज़ का रूल रेगुलेशन भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग जाते हैं किसी म्यूजियम वगैरह में तो वहाँ पे हमें बोल दिया जाता है कि अपने लगेज या अपने फोन्स को स्विच ऑफ कर लें, इस तरीके का सेंटेंस जिसमें हमारा क्या है, रिक्वेस्ट आए, कमांड आए, है ना, ऑर्डर आए, वैसे सेंटेंस को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस उसी तरीके से हमारा, प्लीज स्विच क्वाइटली, है ना, क्या बोल रहा है वहाँ पे हम लोग को, ऑर्डर मिल रहा है क्या कि शांति से बैठे। थर्ड हमारा, प्लीज क्लीन योर रूम, ये हमारे घर में हमारे हमसे बड़े जो है वो हमको बोलते हैं कि अपने रूम को साफ रखो या अपने रूम को साफ करो, है ना, वैसा सेंटेंस क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है। नेक्स्ट हमारा, रिमूव योर शूज हेयर, है ना, बोल रहा है कि हमें क्या करना है, रिमूव करना है शूज को, यानी जूता उतारने का। यहाँ पे हम लोग जैसे जाते हैं हमारा कोई ऐसा घूमने के लिए ऐसे जगह पे जाते हैं जैसे मंदिर मस्जिद, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, बाहर में एक बैनर लगा हुआ होता है जहाँ पे हमें बोला जाता है कि अपने शूज को क्या कर लीजिए, रिमूव कर लीजिए, है ना, यानी निकाल लीजिए। और थर्ड हमारा है, मे आई कम इन, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी से इजाज़त मांग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इस टाइप का जो सेंटेंस होता है वो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर में आता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, वेयर इज योर न्यू कैट, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आपका नया बिल्ली कहाँ है, या इसमें हम लोग किसी से कह भी सकते हैं या वो हमसे कह सकता है कि आपकी नई कार कहाँ है, नई बिल्ली कहाँ है, या आपका नया ड्रेस कहाँ है, इस टाइप से सेंटेंस होता है, ठीक है। जिससे हमको ये समझ में आ रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, किसी सवाल को पूछने के लिए या किसी से सवाल करने के लिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। सेकेंड सेंटेंस है हमारा, हाउ आर यू टूडे, इसमें हम पूछ रहे हैं क्या कि आप आज कैसे हैं। थर्ड सेंटेंस है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। और चौथा है, वेयर आर यू गोइंग टूडे, आप आज कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए। जैसे कि हम लोग अपने दोस्तों के बीच में रहते थे तो पूछो चलो आज कहाँ जाना है घूमने के लिए, है ना, तो इस टाइप का सेंटेंस जो आता है हमारे किस में आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। और फिफ्थ सेंटेंस है हमारा, वेयर इज माई कार की, है ना, हमारे कार का चाबी या मेरे कार का चाबी कहाँ है, ये हम किसी से क्या कर रहे हैं, घर में सवाल करते हैं ना कि हमारा कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, इस टाइप का सेंटेंस हमारा कहाँ आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हमारा सडन फीलिंग्स आता है ना, सडन फीलिंग या इमोशन जिस चीज में आए हम वैसे सेंटेंस को क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसा हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, हे डोंट टच माय फोन, ये क्या कर रहे हैं, हम किसी को चिढ़ करके या गुस्से में बोल रहे हैं क्या कि ए मेरा फोन मत टच करो, है ना, जैसे किसी को किसी चीज से परेशानी हो जाता है, मेरे कार टच मत करो, मेरा ड्रेस मत छुओ, है ना, इस टाइप का सेंटेंस जो होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। सेकेंड सेंटेंस है हमारा, व्हाट अ बोरिंग डे, अब इसमें कोई क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये हो जाए, डिप्रेस्ड हो रहा है, मतलब उसका दिन खराब गया, तो वो बोल रहा कितना बेकार दिन था, है ना। उसी तरीके से थर्ड सेंटेंस है, व्हाट अ नाइस कार यू हैव, अब किसी को देख करके क्या हो रहा है, हम चौंक रहे हैं किसी कार को देख करके या किसी भी खूबसूरत चीज़ को बोलते हैं ना वाओ, है ना, तो यहीं पे वाओ क्या बोल रहे हैं, व्हाट अ नाइस कार यू हैव, तुम्हारे पास कितना शानदार कार है। चौथा सेंटेंस है हमारा, हाउ गॉर्जियस द ड्रेस इज, अब कोई है क्या है, किसी का ड्रेस है, उसको देख करके बोल रहे क्या वाह तुम्हारा क्या ड्रेस है ना, बहुत मस्त है। चौथा सेंटेंस है हमारा, हुर्रे वी आर गोइंग टू कश्मीर, है ना, हम लोग क्या जा रहे हैं, कश्मीर, अचानक हम लोग बोला जाए क्या कि हम लोग टूर पे कहाँ जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं या कोई भी खूबसूरत जगह जा रहे हैं, तो हम लोगों को क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, एक्साइटमेंट आएगा, खुशी आएगा, जिसमें हम लोग बोलेंगे वाओ हम लोग कहाँ जा रहे हैं, घूमने के लिए कश्मीर जा रहे हैं। तो वैसा सेंटेंस जिसमें एक्साइटमेंट, सडन फीलिंग, इमोशन, चाहे वो खुशी हो या गम हो, वैसा सेंटेंस में जो हमारा सेंटेंस मुंह से निकलता है, जो सडन फीलिंग्स आता है, सोची समझी नहीं, वो सडन फीलिंग जो आए वो से सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में वैसे सेंटेंस आते हैं जिसमें हम लोग किसी को क्या करें, आशीर्वाद दें या बददुआ दें, जिसको हम बोलते हैं श्राप, है ना। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं पहला सेंटेंस में हम हैं, मे गॉड ब्लेस अस ऑल, है ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, खुद को अपने जैसे परिवार को या अपने दोस्तों को हम जैसे बोलते हैं ना कि हम लोगों को भगवान क्या करे,
या अल्लाह क्या करे हमेशा खुश रखे, है ना, हर चीज़ से नवाजे, हर चीज़ हम लोगों को दे, पैसा दौलत, है ना, या परिवार का खुशी। ठीक है, सेकेंड संडे से विश यू अ वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, है ना। सेकेंड संडे में हम बोल रहे हैं क्या कि आपका जो जीवन हो वो सुखद रहे, मैरिड लाइफ जो हो सुखद रहे, आप दोनों हमेशा खुश रहें। थर्ड संडे में हमारा विश यू हैप्पी जर्नी टुगेदर, इसमें हम किसी को विश कर रहे हैं उसके जर्नी के लिए कि आपका जर्नी क्या हो बहुत ही ज़्यादा सुखद हो, आरामदायक हो। चौथा सेंटेंस है मे योर टीम विन द मैच, इसमें हम किसी को क्या कर रहे हैं उसको विश कर रहे हैं कि आपका जो मैच हो वो क्या रहे बहुत अच्छा हो, आपका जो टीम है बहुत शानदार प्रदर्शन करे। जैसे कि हम इंडिया को विश कर सकते हैं कि मे आवर इंडियन टीम विन द मैच, है ना। चौथा सॉरी लास्ट सेंटेंस है हमारा मे यू लिव लॉन्ग, इसमें हम किसी को आशीर्वाद देते हैं कि तथास्तु, है ना, क्या बोल रहे हैं कि आप हमेशा क्या रहें आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा लंबा हो, सुखदमय हो, है ना। इस टाइप से हम सब एक एक कर करके पांचों सेंटेंस के बारे में जानें कि पांचों सेंटेंस क्या क्या होता है और किस किस प्रकार के सेंटेंस को हम किस किस काइंड में यूज़ करते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो।